अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? होप सो कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको कुछ शॉपिंग और कुछ अपने जो स्किन केयर मैं कर रही हूँ, अपनी हेल्थ केयर कर रही हूँ एज अ ब्राइड, वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी, अपनी साड़ी की पैकिंग दिखाऊँगी एंड ओवरऑल बस इतना कुछ ब्लॉग है। तो सबसे पहले ये जो ड्रिंक मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने सोचा था कि दूध पीना तो बहुत नेसेसरी है और दुल्हन को तो मार मार के पिलाया जाता है जो नहीं पीती है, तो मेरे साथ तो कुछ ऐसे ही सीन है। तो मैंने क्या किया, मैंने सादा दूध मुझसे नहीं पिया जाता तो मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, और हल्दी वाला दूध आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होंगे इसके, और साथ साथ एक फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ देख लीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है पीने में। तो मैंने इसे बना लिया और बहुत अच्छा से लो फ्लेम पे रख दिया मैंने पकने के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए फिर मैं इसको पीऊँगी। अब इसको जब मैं पी रही हूँ तो मुझे क्या करना है, अभी फ़ौरन निकलना है शॉपिंग के लिए, तो मैंने बाय लगा के फिर इसको पी लिया था। और ये देखें जी, बहुत मज़े का लग रहा था मुझे पीने में। उसके साथ मुझे जाना था शॉपिंग पे, मेरे इन-लॉज की तरफ से कुछ ब्राइडल ये सैंडल लेनी थी बारात के लिए, और कुछ और भी शॉपिंग्स करनी थी। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है ये बारात में सैंडल चूज करना, लेकिन ठीक है मैंने कर ली, अच्छी कर ली है। उसके बाद कुछ शॉपिंग्स की हमने, उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे अपनी सिस्टर के साथ भी शॉपिंग पे जाना था। तो फिर वहाँ से दूसरी मार्केट हम गए और बहुत टफ डे था भाई, बहुत टफ डे था, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी और बहुत थक गई थी मैं। तो बस यहाँ से शॉपिंग करके निकलना था, वहाँ पर शॉपिंग पर जाना था, ऑलमोस्ट मैंने कहा था ये मेरी लास्ट शॉपिंग होगी, तो बस ये आज इंशाल्लाह वाइंड अप कर दूँगी और उसके बाद फिर नहीं जाना है मुझे। इसके बाद जब मैंने नेक्स्ट डे घर पर आ गई थी, तो उस दिन काफ़ी टफ हो गया था, इसे दो दिन का ब्लॉग साथ बना लिया मैंने। नेक्स्ट डे मैंने ज़रा अपनी मैनीक्योर पेडिक्योर की तरफ तवज्जो दी, मैंने कहा होम मेड ही कर लेते हैं ताकि अभी थोड़ा स्किन साफ रहे, फिर जब सर्विस होती है नॉर्मली जब रात से पहले तो वो तो बहुत अच्छे से पार्लर वाले कर देंगे। तो ये जो है ना बहुत बेनिफिट्स रहे थे इसके जो मैंने किया था। गर्म पानी लिया है मैंने टब में, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, इतना गर्म पानी कि पाँव उसमें स्टे कर सके, उसमें मैंने अपना फेस वॉश और शैम्पू डाल दिया, बायोहमडा शैम्पू डाला 24 की गुड़ से वाला जो ये फेस वॉश है वो डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स करके अपने पाँव को उसमें डिप कर लिया। इतनी देर डिप किया था, कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट डिप किया, उसको पाँव को इस तरीके से पाँव से ही रब करते रहे। उसके बाद मैंने नेल कटर से अपने नेल्स को साफ़ किया, साइड में से उसके थोड़े से डेड स्किन होती है उन सबको रिमूव किया, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आए थे। भूल गई थी बनाना वीडियो, लेकिन मैंने साड़ी पैक करते करते बना लिया था। अच्छा जी, ये जी मेरी वेडिंग साड़ी जो कि मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, ये पैकिंग रह गई है कुछ तो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ उसकी भी। तो ये है जी साड़ी, मारिया बी का कलेक्शन लिया था मैंने, इसके लिए मैंने बड़ा बॉक्स लिया ताकि अच्छी लगे, बहुत ही ज़बरदस्त साइड में फ्रिल वर्क है, नेट पे है फुल एम्ब्रॉयडर्ड, बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं। अच्छा, इसके साथ सिन क्या हुआ, इसका जो ब्लाउज है वो ब्लैक है ना, और मेरी मैं जहाँ जा रही हूँ शादियों के वहाँ पे ब्लैक नहीं पहनते, वेडिंग पे लेकर नहीं आते, ऑलमोस्ट एक साल तक नहीं पहनते। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर इसके ब्लाउज़ को हटा दिया, जबकि ब्लाउज़ बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मुझे तो रिसेंटली स्टार्ट में पहनना होगा, फिर मेरी कज़िन की वेडिंग है, मैंने सोचा था उसमें पहन लूँगी, इस तरह किसी भी इवेंट पर पहन लेता है बंदा। तो ये मैंने अलग से कपड़ा लेकर आई हूँ, नेट लेकर आई, फिर इस तरीके से मैंने अपना स्किन कलर का ब्लाउज बनाया जो कि इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, सिंपल और डिसेंट सा। वो एम्ब्रॉयडर्ड था अच्छा था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है, उन्होंने सिल भी दिया था, लेकिन बस ये है कि मैं लेके नहीं जा रही हूँ, ये कि बाद में अगर यूज़ करना होगा तो बंदा दोनों यूज़ कर सकता है। इसका नेक देखिए, गला कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे अगर रिसेंटली यूज़ करना पड़ा तो फिर तो मैं ब्लैक नहीं पहनूँगी, तो इसलिए मैंने ये कह के मैंने साइड करके दूसरा पीस का बना लिया। तो चलिए जी, इसको ज़रा मैं पैक करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। मुझे सबसे ज़्यादा वर्क इसका ये फ्रिल वर्क बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने इसे लिया था। और अच्छा, उसके साथ साथ मैंने क्या किया था, पाँव भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या रिजल्ट आए थे, जो मैंने होम मेड पेडिक्योर किया था बहुत ज़बरदस्त आए थे, पाँव देख के आपको लग रहा होगा नहीं एकदम क्लीन हो गए, नल्स भी साफ हो गए थे, स्किन रिमूव हो जाती है, एक दफ़ा से नहीं होता ये, अभी तो फर्स्ट टाइम मैंने किया ही है। मैंने सिर्फ फूड केयर ही नहीं किए थे, हैंड केयर, फेस केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, अपने बालों की केयर बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन मैंने ना पाँव पे थी तोज्जो नहीं दी, डेली बेस में इसको वॉश कर रही थी फेस वॉश, तो ये देखिए मच्छर बैठ गया था आगे। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा आप इसकी भी केयर कर लेते हैं ऑलरेडी, मतलब सर्विस में तो है, लेकिन बस ये है कि खुद से केयर करके स्किन अच्छी से रहेगी, तो मैंने आज स्टार्ट किया, अब इंशाल्लाह मैं हर रोज़ ही करने वाली हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। सही है, देखिए जी मैंने अपनी साड़ी को पैक कर लिया है, बॉक्स में डाल के रैप किया, इस तरीके से साइड में जो वो वाले स्टिकर्स होते हैं वो टेप होता है ना ये वाला, तो ये टेप से
इस तरीके से पीस किया, सेंटर में एक बंच लगा दिया फ्लावर का, तो ओवरऑल बहुत प्यारी लगती है साड़ी। पैक होने के बाद भी मैंने बॉर्डर क्या किया है, एक साइड का बॉर्डर ऊपर रखा और एक साइड से साड़ी तक के कॉम्बिनेशन, और बहुत अच्छे से नज़र आते हैं सारी चीज़ें। होप सो कैसी लग रही होगी आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि पैकिंग कैसी लगी आप। अच्छा, इसके साथ साथ जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर व्लॉग्स पसंद आ रही हैं, वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये खाना जरा मैं खा रही हूँ, और ये जो है जो ब्राइडल शावर में खाना हुआ था उसके नेक्स्ट डे के ब्लॉग्स हैं, तो ये रात में यही मेन्यू था ब्राइडल शावर में, कबाब, पराठे, पूड़ियाँ, तरकारी, छोले की तरकारी, गुलाब जामुन एक्सेट्रा, तो यही हम सब मिल के बैठ के खा रहे थे। इसके साथ साथ अभी वेडिंग की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो बस आज का ये थका हुआ 2 दिन का ब्लॉग था ये, तो ये ज़रा मैं ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ वीडियोस को, ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। और इसके साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें ताकि मैं और ब्लॉग्स बनाऊँ और अच्छे से अपनी शादी के सारी फंक्शंस को इन्जॉय करूँ। बहुत कुछ करना है अभी, बहुत सारी प्रिपरेशन रहती है, अभी कुछ ढुलके शुलके होंगे, गाने शाने होंगे, इंशाल्लाह वो ब्लॉग्स जो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मैं आपको स्किन केयर के हवाले से बताऊँगी, मैंने जो एक ओपनर अपने लिए बना रही हूँ अपनी स्किन पर लगाने के लिए, मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ जो एक्सेक्ट्रा मेरी जहेज़ की पैकिंग की चीज़ें जो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी हूँ, वो भी इंशाल्लाह करूँगी। जहेज़ भी जाने वाले हैं तो मैंने पहले रख दिया था पैक कर करके, फिर मैंने कहा कि अब जब मैं निकालूंगी तभी उसकी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी जो वीडियोज़ रह गई हैं जैसे मेरी बाकी सामान की पैकिंग और बाकी एक्सेक्ट्रा, वो सारी चीज़ें एक साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है जी। खाना करते हैं, एंड मेरे लिए तो मीठा बहुत टफ हो गया खाना, पता नहीं क्यों मुझे मीठा पसंद नहीं है, पहले बहुत पसंद था, अब तो एक गुलाब जामुन भी खा लूँ बहुत बहुत भी लगता है वो। फिर अच्छा, इसके साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक सर्व करती हूँ क्योंकि खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, इस तरह का हेवी खाना हो जाए तो फिर वो तो नेसेसरी है, तो बस ये मेरी सिस्टर निकाल ली थी तो ये निकाल दिया उन्होंने, मैं अपना एक ग्लास लूँगी और जल्दी से खा पी के और फिर अपने ब्लॉग्स को ऐड करना होता है, एडिटिंग करने के काम में लग जाओ फिर सो जाओ। चलिए जी, अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें देखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।